बुज़ुर्ग दंपत्ति का दर्द इस हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करते हुए मुझे दो महीने हुए हैं मैं रोज़ की तरह ठीक नौ बजे की शिफ्ट में हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी रिसेप्शन की तरफ बढ़ ही रही थी कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति को देखकर थोड़ा रुक गई शायद वह झगड़ा कर रहे थे पर किस बात पर यह जानने के लिए मैं ज़रा नज़दीक गई बुज़ुर्ग पुरुष बेहद उदास लगभग रोते हुए अपने हाथों में कुछ छुपा रहे थे बुजुर्ग महिला उनके हाथों से वह पेपर छीन रही थी महिला की आंखों के नीचे काले घेरे मगर आंखों में शरारत थी अचानक रोते हुए बुजुर्ग पुरुष चीख पड़े इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है सुशीला ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी बोलते हैं आज तक कुछ भी छुपा पाए हो मास्टर साहब जरा मेरी आंखों में देखो बुज़ुर्ग महिला बड़े प्यार से उनकी आंखों में देखकर कह रही थी बुजुर्ग पुरुष बिलख पड़े तुम्हें कैंसर है सुशीला तुम जल्दी ही मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी इस प्राइवेट स्कूल के रिटायर्ड मास्टर की औकात इस बीमारी से बड़ी नहीं है तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब तुमने मुझे इन चालीस सालों में बहुत कुछ दिया है और मेरी कसम तुम रोना नहीं अब अभी तो जिंदा हूँ ना मैं अभी से तुम क्यों तुम घर चलो बुजुर्ग महिला अपने पति को गले लगाकर चुप करा रही थी और उन्हें देख मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई अचानक मेरी नज़र डॉक्टर उज्जवल पर गई शायद वो भी यही देख रहे थे डॉक्टर उज्जवल ने कहा सर एक मिनट वह दंपत्ति आवाज़ सुनकर रुक गए डॉक्टर उज्जवल ने उनका रिपोर्ट देखा और कहा सर आप घबराइए नहीं जीवन और मृत्यु तो हम डॉक्टरों के बस में भी नहीं है मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बुज़ुर्ग की बेवसी उनकी आंखों में दिख रही थी डॉक्टर उज्जवल ने कहा मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुज़र गई थी सर जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी माँ को इस बीमारी से बचा नहीं पाया था अपने इन्हीं कोशिशों से मैं उन्हें अपने दिल में ज़िंदा रखता हूँ मुझे नहीं पता कि डॉक्टर उज्जवल की कोशिश कितनी कामयाब होगी पर वह बुज़ुर्ग दंपत्ति की आंखों में आँसू की जगह उम्मीद लाने में कामयाब हो गए थे डॉक्टर उज्जवल ने बुज़ुर्ग महिला का इलाज किया और वह ठीक हो गई और बुजुर्ग दंपत्ति खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे धन्यवाद